नमस्कार, मैं हूँ असामा जकरिया और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी सर्कल। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जेएनयू का जो प्रदर्शन है, जो मीडिया में जिस तरीके से कल आया और जो हकीकत है उसे बयान करने के लिए हमारे साथ जेएनयू सीओ के उपाध्यक्ष साकेत मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं और आगे की जो उनकी रणनीति होगी इस पूरी लड़ाई को लेकर के उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साकेत, कल क्या हुआ था? देखिए, कल हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जेएनयू से एक लॉन्ग मार्च लेते हुए हम लोग संसद भवन यानी कि जंतर मंतर तक जाने वाले थे। इस बात की जानकारी दिल्ली पुलिस को 3-4 दिन एडवांस ही दे दी गई थी, पर बार बार उनके तरफ से जो मुझे समझ में आया कि ऊपर से आदेश रहने के कारण उन्होंने यही कहा कि हम परमिशन नहीं देंगे, हम आपको नॉर्थ गेट से बाहर नहीं निकलने देंगे। पर कल जो छात्र एकता के साथ आए तब पुलिस को भी अपना बैरिकेड थोड़ा पीछे लेना पड़ा। हम लोग गेट से बाहर निकले, हम लोग केंद्रीय विद्यालय तक शांतिपूर्वक गए और वहाँ पर पुलिस ने पहला राउंड जो है एक क्रैकडाउन का शुरू किया। छात्रों को उठा के अलग से ले जाके पीटा गया, लात और घूंसे से मारा गया, उठा के बैरिकेड पे फेंका गया और नाखून मारा गया, ब्लेड मारा गया। ये सब चीज़ें कल हुई और जब वहाँ पे करीबन 100 छात्रों को डिटेन किया गया, तब जब वहाँ पे इतना सारा बैरिकेडिंग था, करीबन 3000 CRPF को बुलाया गया था। उनके अंदाजन कि उन्हें लगा था कि 1000 लोग आएंगे तो उन्होंने 3000 CRPF का इंतज़ाम किया था। पर वहाँ से फिर हम लोग जो अपना रूट को चेंज करके हम लोग आरकेपुरम होते हुए जोरबाग तक गए। यहाँ पे एकदम शांतिपूर्वक तरीके से हमने मोर्चा निकाला, हमने मार्च किया, कहीं पे भी यातायात को परेशान नहीं किया, कहीं पे भी रोड को नहीं रोका। और जब हम लोग जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचे, जो लुटियंस का जो बॉर्डर है, लुटियंस के पास पहुँचे, तब बिल्कुल बिना बताए, बिल्कुल कोई प्रोवोकेशन या कोई इसके कोई वार्निंग के बिना उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि महिलाओं पर भी लाठीचार्ज हुआ है और उन पर काफ़ी गंभीर चोट भी आई है। सिर्फ महिलाओं को नहीं, महिलाओं को ज़मीन पे गिरा के उनको मैनहैंडल किया गया, उनके ऊपर लाठी चलाई गई, प्रेस कर्मियों के ऊपर लाठी चलाई गई, जो छात्र है जो विजुअली और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके ऊपर लाठी चलाई गई। जबकि उन्होंने कहा कि हम लोगों पे लाठी क्यों चला रहे हो, इसके बावजूद ज़मीन पे गिरा के लात और घूंसे से उनको मारा गया, लाठियों से मारा गया। जेएनयू टीचर संघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि लाइट बंद कर करके रात में लाठी चार्ज किया गया है, जिसके वो खुद भी गवाह हैं। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, कल एक बार नहीं मारा गया, 3 बार मारा गया है। एक बार सुबह यहाँ पे जेएनयू के सामने, दूसरे बार जोरबाग मेट्रो स्टेशन में दोपहर को, और जब हमको पीटा गया वहाँ पे और खुद ही बैरिकेड लगा दी तो रास्ता वैसे ही जाम हो गया, तो छात्र वहीं पे रोड पे बैठे रहे। इन सब के बाद आपकी MHRD से कोई मीटिंग कराई गई? जी, तो एक बार मैं बोल देता हूँ, रात को जो लाइट बंद करके मारने वाला चीज़ है वो एकदम सच है। हम लोगों को ये कहा गया कि MHRD से मीटिंग फिक्स कराएंगे, हमने कहा ठीक है, पर हम लोग तब तक नहीं MHRD से मिलने जाएंगे जब तक कि जितने साथियों को डिटेन किया गया है उनको वापस सही सलामत नहीं लाया जाता है। जब वो वापस आए तब हमने कहा कि हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, सब छात्र शांति से डिस्पर्स करेंगे, आप बस का इंतज़ाम कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हमने बस का इंतज़ाम कर दिया है। तो जैसे ही हम लोग बात अपना ख़त्म किए, जो जो साथी डिटेन होकर आए थे, वैसे ही हम लोग को 4 ऑफिस बॉयों को खींच के कोने में ले जाया गया, धक्का मुक्की हमारे साथ भी की गई, हमको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया और बाकी वहाँ पर लाइट बंद करके फिर से एक राउंड लाठीचार्ज उन्होंने शुरू कर दिया। और ये एकदम शर्मनाक है जो कल हुआ कि 3 बार लाठीचार्ज कल हुआ है, 3 बार कल पीटा गया है, 3 बार बहुत बेरहमी से मारा गया है और उसके बावजूद एक प्रोपेगेंडा चला जा रहा है कि छात्र जो है वो हिंसात्मक हुए। अब आप बताइए, निहत्थे छात्र जो अपने शिक्षा के अधिकार के लिए मार्च कर रहे हैं वो कैसे हिंसा कर सकते हैं? जो लोग वहाँ पे टीयर गैस का बंदूक लेके, जो लोग लाठी लेके पूरा कवच आर्मर पहन के वहाँ पे खड़े थे, वो लोग ना, जो वीडियो है, जो फोटो है, लोगों ने मेडिकल करवाया, सारे मुद्दे आपने MHRD के साथ मीटिंग में उठाया? जी बिल्कुल उठाए हैं। और छात्रों ने जो मेडिकल करवाया है, अभी मेडिकल करके आ रहा है, हम लोग इसके ऊपर एकदम कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराया है, मीडिया के जरिए हमने बताया कि इनका हार्ट टूटा है, किसके एक लड़के के सर में 10 स्टिचेस आए हैं, किसी को कोई क्रिटिकल, शशि जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में था, जो VHA हमारा काउंसिलर है, बहुत सारी चीज़ें, हम सभी के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। MHRD को भी जो मीटिंग हुआ, हमने उनसे यही बात कही कि आप चाहते नॉर्मल से हो, हम भी चाहते हैं नॉर्मल से हो यूनिवर्सिटी में, पर उसका एक ही कंडीशन है कि आपको ये फी हाइक हॉस्टल मैनुअल को रोल बैक इमीडिएटली करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कमेटी जो है उसके ऊपर एक जाँच कर रही है, हम कमेटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे और यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैटर है। तो हमने कहा तो उस कमेटी में आपको JNU छात्र संघ का रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना पड़ेगा। उन्होंने हमें भी लेटर भेजा है, कल सुबह 10:30 बजे MHRD में सारा जो JNU का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, छात्र संघ है, वो कल जाएगा मीटिंग के लिए। और हम एकदम स्ट्रांगली ये बात रखेंगे कि इसका तो रोल बैक होना ही पड़ेगा, पर वाइस चांसलर के ऊपर इसका एक जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें जो यहाँ तक पहुँची है, वाइस चांसलर इसके लिए खुद जिम्मेदार है, उनको आपको हटाना ही पड़ेगा। ये बात, फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जो आंदोलन है उसको पूरा वापस लेना, मतलब फीस का रोल बैक करना और साथ साथ VC का रिजिग्नेशन आप डिमांड करेंगे, इसके अलावा और कोई तीसरी डिमांड भी होगी क्या?
देखिए, इसके अलावा जो डिमांड है, एक डायलॉग का डिमांड तो हम बार बार करते आ रहे हैं, पर यूनिवर्सिटी में डायलॉग हम फिर से कहेंगे कि यूनिवर्सिटी में डायलॉग हो, और वो डायलॉग होने का एक ही माध्यम है, वो है इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन का मीटिंग, जहाँ पे सारा निर्णय लिया गया है, जिसमें जेएनयू छात्र संघ लिखित रूप से एक मेंबर है, वोटिंग राइट्स है। आपको जो पुराना मीटिंग गैरकानूनी तरीके से हुआ उसको रद्द करना पड़ेगा और नया मीटिंग बुलाना पड़ेगा, ये भी एक मांग रहेगा। और साथ ही साथ ये मुद्दा आज सिर्फ जेएनयू का नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और ये मुद्दा जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का तो है ही, पर साथ ही साथ पूरे देश भर में जिस तरीके से फंड को काटा जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, हेफा लोन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ग्रेड इटोनॉमी जैसे पॉलिसी को लाके शिक्षा को बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ ये मूवमेंट है। ये मूवमेंट को हम ना सिर्फ जेएनयू में बल्कि बाहर भी, IIT हो, IIM हो, मेडिकल के कॉलेजेस हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके इसको शिक्षा को एक अधिकार समझते हुए इस मूवमेंट को हम एकदम आगे ले जाएंगे। और अगर आपकी जो मांग है MHRD से वो सारी मान ली जाती है, फीस का जो रोल बैक का जो सीन है वो मान लिया जाता है, तो क्या ये आंदोलन यहीं ख़त्म हो जाएगा? देखिए, आंदोलन जो है, ये आंदोलन फीस रोल बैक का तो है ही, पर अभी वाइस चांसलर जिस तरीके से उनका एक रवैया रहा है, ना सिर्फ पिछले एक महीने से बल्कि पिछले 3 साल से, उसका भी संज्ञान MHRD को लेना पड़ेगा। और जब बात बाहर उठ गई है, जब संसद में बात उठ गई है, तो ये बात जेएनयू तक अब सीमित नहीं रहेगी, इसको पूरे देश के सारे विश्वविद्यालयों से कॉलेजेस के साथ इसको लिंक करते हुए शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ ये आंदोलन चलेगा, जब तक कि इसके ऊपर एक मुकम्मल एक चर्चा संसद भवन में होती नहीं है, जब तक के कुछ अंजाम हम देखने को मिलता नहीं, तब तक ही चलेगा। तो ये थे साकेत JNUSA के उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपने पूरी मांग को जो MHRD से उनकी मीटिंग फिक्स की गई है उसके बारे में बताया, और उस मीटिंग में जो इनकी डिमांड होगी, वाइस चांसलर का रिजिग्नेशन होगा, और उसके साथ साथ जो फीस बढ़ाई गई है उसकी पूरी तरीके से वापस लेने की भी मांग करेंगे, और इसके